नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के RO ARO एग्ज़ाम का फॉर्म फिल अप करने को लेकर जिन लोगों में कन्फ्यूज़न है वो अपनी कन्फ्यूज़न अब दूर कर लें। देखिए, एक बात समझ लीजिए फिर से कि एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ वही पद दिए गए हैं जिनमें विशेष योग्यता मांगी गई है। विशेष शैक्षणिक योग्यता ओ लेवल वगैरह जो मांगा गया है वही एडवर्टाइजमेंट में दिया गया है, इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है समझ पाने में। लेकिन सिंपल ग्रेजुएशन वाले बिल्कुल परेशान मत हों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। देखिए, मुख्य परेशानी एक बात आप देख लीजिए कि ये जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट है उसके अनुसार जो मुझे समझ में आ रहा है, लोगों को दो जगह दिक्कत आ रही है। तो समझ लीजिए, फॉर्म भरते वक्त ये लास्ट में जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दी हुई है इसमें चार कॉलम हैं। उसमें पहला कॉलम भारत विद द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, इसमें आप सिंपली यस कर दीजिए और इसमें जो डिटेल हो भर दीजिए। बाकी आपका अगर कोई अन्य योग्यताएं हैं जो जैसा कि दिया गया है ओ लेवल या उसके समकक्ष 25 शब्द प्रति मिनट अंग्रेजी टंकण ये सब है तो यस करिए, नहीं तो नो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, आप RO के लिए एलिजिबल हैं ऑटोमेटिक। उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप जब आप पेमेंट कर लेंगे तो उसमें जो है जब फाइनल सबमिशन आप करेंगे फॉर्म का तो 18 नंबर कॉलम में प्लीज़ सेलेक्ट अदर इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर स्पेसिफिक पोस्ट। ठीक, ये सिर्फ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए है, साफ साफ यहाँ पर दिया हुआ, यही एडवर्टाइजमेंट में भी है और यहाँ पर दिया भी है कि अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा। ठीक, तो ये विशेष शैक्षिक अर्हता वाले पद हैं। इसमें आप सब में अगर नो भी कर देते हैं ना, नौ इसमें हैं कुल टोटल, तो इन 9 को आप अगर नो भी कर देते हैं तो कोई उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आप RO के लिए एलिजिबल हैं जो कि इसमें कहीं पर दिया नहीं हुआ है, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया। तो जितने भी पद सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं उसके लिए आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है ना, यदि किसी में आपकी शैक्षिक अर्हता जो कि मांगी गई है अगर है तो यस करिए, नहीं तो नो करिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आप बिल्कुल कन्फ्यूजन अपनी दूर कर लीजिए और फॉर्म भरिए, मेहनत करिए और सेलेक्ट होइए। धन्यवाद।